कलमना थाना अंतर्गत वाहन और मोबाइल चोरी करने वाले को ख्यात दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1,16,500 रुपए का माल भी बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शंकर नगर पांडुरना निवासी व फिरियादी राजेश दुर्ग यह कलमना के पुराने आरटीओ कार्यालय के पास डिप्टी सिग्नल में रहता है। 18 अक्टूबर को फिरियादी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सोया हुआ था। बाजू की खिड़की में फिरियादी का लियो कंपनी का मोबाइल रखा हुआ था। यह मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया। फिरियादी ने इसकी शिकायत कलमना थाने में की। उसके बाद कलमना पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया तो आरोपी विजयनगर मनोज फोटो स्टूडियो के पास होने की जानकारी मिली। पुलिस ने वहां जाकर पता किया तो आरोपी विजयनगर बाजार चौक में पाए गए। पुलिस ने आरोपी आकाश उर्फ लोकेश चैनदास मारखड़े, आरोपी नीलकंठ उर्फ बंटी श्यामर्दन तिवारी को हिरासत में लिया और उनके पास से कुल 14 मोबाइल और 2 वाहन जब्त किए। कलमना हद्दी मध्ये दिनांक 10/18/20 रोजी आरटीओ कार्यालय जवळ डिप्टी सिग्नल येथे फिर्यादीने आपला स्वतःचा ट्रक पार्क करून झोपी गेला असता कोणीतरी अज्ञात चोराने त्याच्या ट्रकचे काचा तोडून त्यामधून विवो कंपनीचा एक मोबाईल चोरीस गेला अशी फिर्याद दाखल झाल्यानंतर आमचे तपास पथकांनी विविध तंत्र आणि माहितीगारला माहिती देऊन सदरू चोराबाबत माहिती काढली असता एक सराईत गुन्हेगार आकाश मार्कंडे याला ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला आणून त्यास विचारपूस करून त्याच्याकडून एक फिर्यादीचा जो चोरी गेलेला मोबाईल तो जप्त केला। तसेच त्याच्याकडून आणखी कसून चौकशी केली असता त्यांनी कळमना हद्दीमध्ये विविध ठिकाणी जे चोरी गेले होते मोबाईल ते सुद्धा असे 13 मोबाईल असे एकूण 14 मोबाईल त्याच्याकडून जप्त करण्यात आली आणि त्यांना अटक करून पुढील कारवाई सुरू झाली। 1,16,500 रुपयाचा असा मोबाईलचा मुद्देमाल किमती मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। 2 अटक केलेल्या आहे, आणखी अटक होण्याची शक्यता आहे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।